हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, सो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अभी मेरे घर में आने वाली है बहुत सारी खुशियाँ क्योंकि मेरे भाई की है शादी। बहुत सारे आउटफिट भी बनवाने पड़ेंगे, हम लोग ना अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है मेरे तिलक फंक्शन का आउटफिट। तो भाई के तिलक फंक्शन में सस्ता और अच्छा आउटफिट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। चांदनी चौक में मैंने जाके पर्सनली पता करा था। तो मैंने अभी एक फैब्रिक लिया है जिससे मैं बिल्कुल ऐसी ड्रेस बनवाऊंगी, ऐसी ड्रेस बनवाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें कुछ मुझे चेंज करना है तो वो हम अपनी मर्जी से चेंज करवा लेंगे। तो अभी जो हम अपना आउटफिट बनवाने, एक दिन ज़रूर बैठ के जाऊँगी आउट ऑफ इंडिया घूमने। जो मैं आउटफिट बनवाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है अभी 7 मीटर। मुझे पड़ा था ये जिम्मी चू फैब्रिक है। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है देखो, इसमें बहुत शाइनिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा सा कपड़ा है ये, बहुत प्यारा सा। ये कपड़ा मुझे पड़ा है 160 रुपीज़ मीटर, जिम्मी चू फैब्रिक बोलते हैं इसको। ये मैंने लिया था 7 मीटर। इसमें इस फैब्रिक में अभी ट्रेंड में है, इसका भी साड़ी वगैरह भी चली है। ये फैब्रिक मैंने, इसका अर्ज भी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ज है कपड़े का। और ये जो कपड़ा है इसमें मैं जो ऐसी वाली ड्रेस बनवाएंगे ना हम, तो नीचे जो होगी मेरे नी से नीचे जो हम फ्लेयर करवाएंगे, देखते हैं उसमें कितना कपड़ा लगता है। और इसकी जो चुन्नी है, चुन्नी मैं सोच रही हूँ अलग से बनवाऊँगी ताकि मैं ऐसे वेयर कर सकूँ पीछे से, या कभी साड़ी की तरह पल्लू की तरह वेयर कर सकूँ। सो ये मैं अभी टेलर भी ऐसे बात करके पता करेंगे। ब्लाउज़ के कपड़े को मैंने ऐसे खुद से डिज़ाइन करके सोचा है, उसको हम ऐसे भर देंगे क्योंकि ये तो प्लेन कपड़ा है, तो ब्लाउज़ में हम कुछ वर्क कर देंगे। वर्क करने के लिए मैं लेकर आई हूँ, अच्छा इसके साथ अंदर भी हमें लगेगा अस्तर के लिए फैब्रिक, तो मैं लेकर आई हूँ ये साटन का फैब्रिक। ये मैंने लिया था 3 मीटर, हाँ 3 मीटर कपड़ा लिया है मैंने साटन का, इसके नीचे अस्तर लगाने के लिए और ब्लाउज को एकदम फुलफिल करने के लिए। सो उसके लिए मैं चांदनी चौक से लाई हूँ ये डेकोरेशन के लिए 120 120। और ऐसे में ही मैं डार्क कलर लाई हूँ, जिसे ये लाइट कलर, ये डार्क कलर, दो डार्क कलर लेकर आई हूँ 580। ये पूरा मुझे 580 रुपये का पड़ा ये वाला। मैं ये लेस लेकर आई हूँ, ये लेस लेकर आई हूँ मुझे जो पड़ी थी 450। ये लेस पड़ी थी मुझे 450 की, इतनी सी लेस नहीं है दोस्तों, ये लेस है पूरी 9 मीटर। ये पूरा 9 मीटर का बंडल आता है। मैंने इस वाली शॉप की पूरी एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो, जो मैं अपने इंस्टा पे डाल दूंगी और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, आप देख सकते हो। इसके ऊपर बहुत अच्छी शॉप है, बहुत बहुत बड़ी शॉप। मुझे बहुत शौक है खुद से ड्रेस डिज़ाइन करके पहनने का। सो अब हम देखते हैं कि मेरा ये तिलक फंक्शन का आउटफिट कम्प्लीट होके कैसा लगता है, क्या मैं अपने भाई के फंक्शन में गजब लगने वाली हूँ या नहीं, तो ये पता चलेगा बाद में। तो अभी हमें बहुत सारा काम करना है, अभी हम जाएंगे टेलर भैया के पास। सो चलते हैं। नीचे से ना बुरी लगेगी, है ना रानी, मच्छी जैसी लगेगी। अरे ये पकड़ो, यही बांधोगे ना, ना जहाँ पैंट है यहाँ बांधोगे। एक रानी और ऊपर करो, ऊपर उतना, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ हाँ, हील नहीं दिखनी चाहिए। 30-40 ले लो भैया। मैं आई थी टेलर के पास अपने कपड़े को लेने के लिए, फाइनली मेरे कपड़े बन गए हैं, पर टेलर भैया ने ना डोरी लगाना भूल गए थे, तो मैंने डोरी बनाने के लिए बोला। और मेरी रानी बहन का फोन आया, दीदी जल्दी आ जाओ, थोड़ा सा आगे भंडारा बट रहे हैं, हम जा रहे हैं बस, अब देख लो हमारी स्पीड, हम भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया पैसे बचेंगे, भंडारा खाएंगे। भंडारा सुन के टेलर वाले को बोल के रहे, आप काम करो, खाना खाने जा रहे, बोल रहा खाना खाने नहीं, जरा ब्लॉग में बना दे, बता देना कि भंडारा खाने जा रहे। आप कैसे आए यहाँ पे?
फायदा छोटे होने का इसने फायदा उठा लिया। ईमानदारी से बताइए कितनी बार खा चुका है? इधर देख के कितनी बार? एक बार देख सकते हैं बैठे हैं हम भंडारा लेने के बाद। रायता मिल गया, रायता रायता सर हमारी है, बहुत लाइन लग रही है ना। टेलर भैया ने बोला वेट करो तो हम वेट ही कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जो चांदनी चौक से डेकोरेशन का सामान लेकर आई थी, मैंने उसको ऐसे अभी नॉर्मली ऐसे रख के देखा है कि कैसा लगेगा, तो मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरा ब्लाउज़ का आधा काम हो चुका है, अभी बॉटम पूरा बाकी है। सो अभी हमने क्या करा है, ब्लाउज़ को पूरा हैवी कर दिया है, ज़्यादा भर दिया है। सो अब देखते हैं बॉटम में हम क्या वर्क करने वाले हैं। तो मैं आपको फुल ड्रेस की वीडियो, आउटफिट की वीडियो लास्ट में आपको दिखा दूँगी। सो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं आई थिंक 12:30 और मैं अपने ब्लाउज को सजाने में लगी हुई हूँ। मेरे भाई की शादी के लिए बस ज़्यादा दिन नहीं है, 1 वीक बाकी है। अभी मेरा लहंगा भी सिल के नहीं आया है, उसमें भी मुझे कुछ मतलब कलाकारी करनी पड़ेगी। कैसे से लग रही हूँ मैं? आज हम कालका जी मंदिर गए थे, कालका जी मंदिर से मैं घर आई हूँ। घर आने के बाद खाना वाना खा के फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लाउज़ को डेकोरेट कर लेती हूँ। मेरी बहन भी हेल्प करवा देती है, मेरी छोटी बहन ने किया इधर रानी ने। सो अब मैं अपने भाई के तिलक फंक्शन के लिए डेकोरेट कर रही हूँ उसको। सो दोस्तों, फाइनली मेरे भाई के तिलक फंक्शन का आउटफिट बन के आ गया है। मैं आपको अपने भाई के तिलक फंक्शन का आउटफिट दिखाने वाली हूँ, फाइनली क्या लुक आया है मेरे आउटफिट का। सो ये है बॉटम, ये मैंने हाथों से खुद किया है ये, तो मैं और मेरी सिस्टर ने मिलके। तो ये बहुत ही इतना तो वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा जितना वो रियल में है। बहुत ही प्यारा फिनिशिंग आई है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। ये लेस भी मैं जो हाथ से लाई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि मैं लेस चांदनी चौक से लेकर आई थी। और नीचे भी मैंने ऐसे फ्लेयर में नीचे भी मैंने यहाँ पे फिनिशिंग के लिए लेस का यूज़ किया है। बहुत ही प्यारी लेस है ये, जो कि मुझे 450 रुपये की 9 मीटर लेस मिल गई थी चांदनी चौक में। ये जो ड्रेस है ना, मतलब इतना प्यार आ रहा है इस पर, क्योंकि जिस चीज़ में अपनी पर्सनल मेहनत लगी होती है ना, अलग ही मज़ा होता है, अलग ही मज़ा। मैं इसकी क्लिप अगर वीडियो अगर फोटोज़ और वीडियो जो होगी तिलक फंक्शन में जो भी मैं बनाऊँगी वो मैं आपको अटैच कर दूँगी लास्ट में। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जितना वीडियो फोटोज में नहीं आ रहा उतना तो रियल से सामने से बहुत ही प्यारा है। जो लेस है आपने यहाँ पे भी दी है ताकि वो लगे कि हाँ सिंह एक ही ड्रेस है। पीछे जो मैंने एकदम डीप गला बनवाया है स्क्वायर में, फ्लावर्स मैंने इसमें लगाए हैं ना, मैं बहुत सारे लेके आ गई थी क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पता नहीं चलता कितना लग सकता है नहीं लग सकता है। सो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मेरी तरह आउटफिट बनवाना है तो मेरे सिर्फ जो डार्क वाले हैं वो 1 पैकेट और लाइट वाले 2 पैकेट भी मतलब पूरे नहीं लगे थे, सिर्फ 3 पैकेट में ही पूरा हो गया था। जो लेस थी मेरी वो जो लेस थी वो 450 की 9 मीटर आ गई थी, जो पूरी नहीं लगी। मैंने अपनी बिट्टू की ड्रेस में भी उसको यूज़ कर लिया था तो ये भी पूरा नहीं लगा था। लेकिन हाँ, आपको अगर ये ड्रेस बनानी है तो पूरा 9 मीटर का बंडल लोगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, जैसे कि मुझे पड़ा था। फ्रेल वाली चुन्नी जो थी मैंने ली थी चांदनी चौक मार्केट से, मैंने आपको ब्लॉग में शॉप भी दिखा दी है, वहाँ से ये 350 रुपीज़ की मिली थी, 350 या 300 की रेंज में था ये। और इसमें कलर के 100 रुपीज़ लगे तो 450 समझ लो, ठीक है। तो अराउंड पूरा आउटफिट जो है वो बन के आया है 550, मतलब 3550 रुपीज़ में, मतलब वही 3500 रुपये के करीब ही पूरा आउटफिट बना है, जो कि मार्केट में आपको 5500-6000 से बिल्कुल कम नहीं मिलेगा। और रेंज बढ़ सकती है पर घटेगी नहीं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा आउटफिट इतने सस्ते में कैसा लगा। मेहनत तो मैं भी अपनी जोड़ ही नहीं रही हूँ, मेहनत में तो बहुत मेहनत लगी है। सो उसको साइड करो, वो मेरा पर्सनल था।
लेकिन जितना भी अभी इसमें प्राइस मैं आपको बता रही हूँ वो टोटल मेरी पूरा आउटफिट जो है वो 3,500 के अराउंड मतलब पूरा बन के तैयार है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ आपको मेरा पूरा आउटफिट कैसा लग रहा है और नेक्स्ट आउटफिट आप क्या चाहते हो ये भी आप कमेंट्स में बताना ना भूलें। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।